हेलो एवरीवन, डेली आंसर राइटिंग की आखिरी जो यूट्यूब सीरीज है वो हमने डाल दी है। आइए देखते हैं कि इस पूरे डेली आंसर राइटिंग की सीरीज में हमने क्या सीखा है। मेरा नाम है नीर निधि नंदेहा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो मेजर टेक अवेज हैं इस पर्टिकुलर सीरीज से वो ये है कि पहली चीज़ हमने देखी कि रीडिंग द क्वेश्चंस प्रॉपरली। फॉर एग्जांपल, अगर स्कीम के प्रोविजन या प्रावधान के बारे में बोला है तो किस प्रकार से हमें आंसर लिखना है, अगर किसी स्कीम के महत्व या सिग्निफिकेंस के बारे में बोला है तो किस प्रकार से ये जो आंसर है दोनों डिफरेंट होंगे, ये हमने पर्टिकुलरली सीखा है। तो बेसिक टेक अवे ये है कि रीडिंग द क्वेश्चंस प्रॉपरली। इसमें टिप्स यही है कि अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो एक बार इंग्लिश में उस क्वेश्चन को पढ़िए, और अगर आप इंग्लिश मीडियम में हैं तो एक बार हिंदी में वाला क्वेश्चन पढ़िए, और अगर CGGS आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप हमेशा हिंदी वालों को रिफर करें। नेक्स्ट चीज जो हमने सीखी है कि आइडेंटिफाइंग द की आंसर पार्ट्स। कोई भी क्वेश्चन होता है तो उसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम बताना चाह रहे हैं कि द पैटर्न ऑफ लिटरेसी इन छत्तीसगढ़, तो हमको पहले बताना पड़ेगा ईयर वाइज पैटर्न, उसके हमको बताना पड़ेगा कि भाई सेक्स वाइज पैटर्न क्या है, उसके बाद कैटेगरी वाइज SC ST में क्या है वेरिएशन है, उसके बाद हम लोग ये बता सकते हैं कि क्या क्या रीसेंट इंप्रूवमेंट्स हुए हैं ओवर द ईयर्स सेंसस के बेसिस में। तो किसी भी आंसर्स के सब पार्ट्स या सब हेडिंग्स में तोड़ना हमने सीखा इस डेली आंसर राइटिंग में। उसके बाद टू द पॉइंट अप्रोच की बात हमेशा करते हैं। यूजुअली लोग क्या करते थे कि उस क्वेश्चन को स्टार्ट करने में समा या फिर इंट्रो बांधने में इतना टाइम चले जाता था कि मेन कंटेंट कॉम्प्रोमाइज हो जाता था। तो इस पर्टिकुलर डेली आंसर राइटिंग हमने देखा है कि इस प्रकार से टू द पॉइंट जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसका हमें आंसर करना है। फिर हमने देखा प्रेजेंटेशन किस प्रकार से होती है, पॉइंट वाइज लिखना, मैप बनाना, ग्राफ बनाना, किस प्रकार से आप फ्लो चार्ट का यूज़ कर सकते हैं, डायग्राम्स का यूज़ कर सकते हैं, विभिन्न चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं, वो हमने देखा है किस प्रकार से प्रेजेंटेशन अच्छा हो सकता है, लेफ्ट में कौन सी चीज़ रखनी है, राइट में कौन सी चीज़ रखनी है, इस पर हमने फोकस किया। उसके बाद हमने सीखा यूजिंग करंट अफेयर मैप्स एंड डेटा। करंट अफेयर किस प्रकार से आप पहले लाइन में डालेंगे, अगर कोई ज़्यादा करंट अफेयर है किस प्रकार से उसको लास्ट लाइन में डालेंगे, ये सब चीज़ें हमने सीखी हैं। करंट अफेयर यूज़ करना, मैप और डेटा की एंट्री करना। कल ही परसों के क्वेश्चन मैंने आपको बताया था किस प्रकार से आप माइग्रेशन में डेटा यूज़ कर सकते हैं, आप इकोनॉमिक सर्वे कोड कर सकते हैं, आप कोई ग्राफ दिखा सकते हैं, आप कोई मैप बना सकते हैं। सिंपल सिंपल सी चीज़ें हैं वो आपको बनानी है, और जिससे वैल्यू एडिशन हो जाएंगे आपके आंसर्स में। उसके बाद हमने देखा कि ओपन एंडेड क्वेश्चंस कैसे मैनेज करना है। हमने बहुत काम किया है ओपन एंडेड क्वेश्चंस में, और मान के चलिए अगर आपको लीड लेना है CGPSC मेंस में तो ओपन एंडेड क्वेश्चन ही आपका आखिरी हथियार है। हमने देखा किस प्रकार से हम डायमेंशन ऐड कर सकते हैं, जैसे हमने लिटरेसी वाले एग्जांपल में देखा। उसके बाद हमने देखा कि ऐसे ऐसे कौन से क्वेश्चन है जहाँ पर थोड़ा ट्रिकी है लेकिन एक्सिस्टिंग नॉलेज से हम उसका आंसर दे सकते हैं। फिर हमने ये चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं हमेशा सिखाने की कोशिश करता हूँ, ये है कि नॉलेज लेकिन लिमिटेड होता है, उसका एप्लीकेशन इनफिनाइट होता है। कुल मिला के हमने ये सीखा कि सेम नॉलेज को किस तरीके से आप डिफरेंट तरीके से यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, पेपर 7 Part 3 का स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयबिलिटी, तो इसमें मोर और लेस एक ही चीज़ बार बार रिपीट होती है कि स्किल डेवलप हो जाएगा तो भाई आपका जो लेबर है वो काफ़ी नॉलेजेबल हो जाएगा, एक्सपीरियंस आ जाएगा, एफिशिएंट हो जाएगा, वो एक स्किल से दूसरे स्किल जल्दी सीख पाएगा, ये सब चीज़ें हमने देखी। तो सेम नॉलेज को किस प्रकार से हम डिफरेंट तरीके से मोल्ड करेंगे उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के हिसाब से, वो हमने देखा। नेक्स्ट हमने देखा कि RTI कॉपीज टॉपर्स की, डिफरेंट लोगों के RTI कॉपीज देखी, असलम भाई की कॉपी देखी, अंकित की कॉपी देखी, इंग्लिश मीडियम में देखी, हिंदी मीडियम में देखी। इससे हमें पता चला है किस प्रकार से SA में स्कोर करना है, पेपर 3, 4, 5, 6 किस प्रकार से हम स्कोर करेंगे। तो हम वहाँ से हमको आइडिया हो गया कि किस प्रकार से अलग अलग स्टूडेंट्स, अलग अलग मीडियम के स्टूडेंट्स डिफरेंट अप्रोच यूज़ करते हुए भी अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो मेजर टेक अवे है इस पर्टिकुलर सीरीज़ का, कि देयर इज़ नो फिक्स्ड वे। मैंने बुलेट पॉइंट्स में लिखा है, किसी ने पैराग्राफ में लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे हमेशा और उनको कम मिलेंगे। कंटेंट इज़ द किंग। अगर आपको कंटेंट आता है तो उसके बाद ही जो नेक्स्ट चीज़ें होती हैं प्रेजेंटेशन, वो आता है। पहला हमेशा आएगा कंटेंट, दूसरा आएगा प्रेजेंटेशन, तीसरा जो हल्का सा मैटर कर जाएगा वो है प्रेजेंस ऑफ माइंड इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में। माइंडसेट की बात हुई है तो अभी तक हमने देखा है हार्ड स्किल्स। हार्ड स्किल्स मतलब नॉलेज वाला पोर्शन, जो एप्लीकेशन वाला पोर्शन है, जो डिटर्मिनेशन वाला पोर्शन है, जो कंसिस्टेंसी वाला पोर्शन है, जो परसिस्टेंस और कभी भी गिव अप नहीं करने वाला माइंडसेट है, इस पे हम लोग बात करेंगे पूरे मई भर में। थ्योरी जो है वो फॉर्म करता है सिर्फ 40% ऑफ योर टोटल प्रिपरेशन ऑफ CGPSC।
नेक्स्ट जो 50-55% है वो आएगा आपके दृढ़ निश्चय से, आपके माइंडसेट से। इस पे मैं बात करूंगा आप लोगों से बहुत ही डिटेल में, कौन से इमोशन से आप गुजरेंगे, फिजिकल स्ट्रेस कैसे मैनेज करना है, रिवीजन का स्ट्रेस कैसे मैनेज करना है, अगर कोई पेपर बिगड़ जाता है तो कैसे मैनेज करना है, और कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी है जो कि नॉन एकेडमिक हैं लेकिन आपके एकेडमिक परफॉर्मेंस को अफेक्ट करेंगे, इस पर हम लोग बात करेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थैंक यू एवरीवन इस डेली आंसर राइटिंग सीरीज को सक्सेसफुल बनाने के लिए। आप लोग के कॉन्ट्रीब्यूशन ही मुझे मोटिवेट करता है रोज वीडियो डालने के लिए, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू गाइस कि आपने कंसिस्टेंटली आंसर्स लिखा है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैंने कंसिस्टेंटली आपको वीडियोज प्रोवाइड करें डिस्पाइट मेरी पोस्टिंग, डिस्पाइट मेरी ट्रेनिंग, डिस्पाइट डिफरेंट थिंग्स इन माई लाइफ। तो आप लोगों के कारण मैंने भी एक नई कंसिस्टेंसी में एक नया चैप्टर खोला है अपने लाइफ में। थैंक यू सो मच, आशा करता हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी डेली आंसर राइटिंग से। माइंडसेट की बात करेंगे, माइंडसेट इज सुपर 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 इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू CGPSC, एंड मुझे लगता है आई वॉज वन ऑफ द गाइज विद द स्ट्रॉन्गेस्ट माइंडसेट इस एग्जामिनेशन में, एंड उसका रीज़न डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ा है मेरे रिजल्ट्स में। माइंडसेट में कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है पूरे मई भर बात करेंगे, प्रिफेबली दिस वीक ऑफ मई हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे कि माइंडसेट कितना इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा नहीं, एक एक दो दो वीडियो डालेंगे ताकि आपके CGPSC की प्रिपरेशन डिस्टर्ब ना हो। मेरे साइड से आई हैव डन इनफ, अब बारी है आपके साइड से एफर्ट डालने की। ऑल द बेस्ट, आई होप माई सीरीज हेल्प्ड यू। इजाज़त लेंगे आपसे, फाइनल इजाज़त लेंगे डेली आंसर राइटिंग का आपसे। जय हिंद।